माँ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं जोबनेर। जोबनेर में ज्वाला माता का बहुत ही सुंदर मंदिर है। जोबनेर जयपुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर पहाड़ पे स्थित है। यह हमारी कुल की देवी है। ये जो आप देख रहे हैं ये ज्वाला माता के मंदिर के पास का किला है। तो हम ज्वाला माता के मंदिर पहुंच चुके हैं और अब हम यहाँ से प्रसाद लेंगे। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं जो इस मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं। हमने यहाँ माता जी के लिए प्रसाद लिया और उनका श्रृंगार का सामान भी लिया। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये ज्वाला पोल है। नवरात्रे के दिन बहुत ही भीड़ मिलती है। माता जी को प्रसाद में मखाने, पताशे, मिश्री, पुए और पूड़ी बहुत ही पसंद है। और हम प्रसाद लेके माता जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अब हमारा सफर स्टार्ट होता है ज्वाला माता के दर्शन के लिए। ये जो आप व्हाइट कलर का देख रहे हैं ये ज्वाला माता जी का मंदिर है। ये जो आप देख रहे हैं दुकान, ये इधर श्रृंगार का सामान और खिलौने मिलते हैं। ये खिलौनों की दुकान सजी नजर आ रही है आपको। अब हमारा सफर स्टार्ट ज्वाला माता जी के दर्शन के लिए। ये माता जी के दर्शन के लिए सबसे पहला गेट है। कितना प्यारा गेट है। श्रद्धालु के लिए सर्दी गर्मी बरसात से बचने के लिए इस रास्ते को टीन सेट से कवर किया गया है जिससे कोई भी श्रद्धालु को परेशानी ना हो। यह मंदिर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है आपको। Okay.
सामने देख रहे हैं ये ज्वाला माता जी हैं। जय हो ज्वाला माता जी की जय हो। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। प्यार से बोलो जय माता दी, आवाज नहीं आई। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जोर से बोलो जय ज्वाला मैया की जय। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ज्वाला माता आपके कष्टों को दूर करे। फिर हमने ढोल नगाड़ों के साथ माता जी से अर्जी लगाई। ढोल बजाने से माता जी को पता चल जाता है कि इनके भक्त इनकी दर्शन करने के लिए आ गए हैं। इससे माता के दरबार में हमारी हाजिरी लग जाती है। जय ज्वाला मैया की जय। दर्शन करके लौट रहे हैं और आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और ये बहुत ही अच्छा मंदिर है और अब आप यहाँ पे जरूर जरूर आएं। ज्वाला मैया की जय।